आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। विधान आयोजक सीमा हौजरी परिवार। तो अभिषेक महामस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैलाए पावन संदेश, धरती से अंबर तक फैलाए पावन संदेश। ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। बाहुबली के मस्तक पर भर भर कलश ढुरावे, अरे बाहुबली के मस्तक पर भर भर कलश ढुरावे। प्रासुक नीर छीर की धारा तन पर बहती जावे, प्रासुक नीर छीर की धारा तन पर बहती जावे। केसर चंदन की सुगंध से हो, केसर चंदन की सुगंध से मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक फैलाए पावन संदेश, धरती से अंबर तक फैलाए पावन संदेश। ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। बहती कलशों से धार, बहती कलशों से धार गिर रही जो बारंबार, बहती कलशों से धार गिर रही जो बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण आरे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण आरे। बहती कलशों से धार गिर रही जो बारंबार, बहती कलशों से धार गिर रही जो बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण आरे, प्रभु जी भीग गए सारे जो ही जग के तारण आरे। स्वर्ण कलश हाथों में आई इंद्रों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में आई इंद्रों की टोली। प्रभु नवन का भाविनी एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाविनी एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रभु का ही मंगल प्रक्षाल। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के पालन हारे, प्रभु जी भीग गए सारे जग के हैं तारण हारे। कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो भर झारी, कल
कलशा ठारोरी ठारोरी ठारो भर झारी। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी, पार्श्वनाथ भगवान की महिमा कितनी मनहारी। कलशा ठारो रे कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो नर झारी, कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो नर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी अतिशयकारी, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी अतिशयकारी। कलशा ठारो रे कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो नर झारी, कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो नर झारी। बड़ी पुण्य से अवसर आया इंद्र बने हम आज, बड़े पुण्य से अवसर आया इंद्र बने हमें आज। शीरो दधि का नीर भर के नवन करा लो आ, शीरो दधि का नीर भर के नवन करा हुआ। धारो रे कलशा धारो रे कलशा धारो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा धारो कमालो रे पुण्य भारी। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी, ओ महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। कलशा ठारो रे कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो नर नारे, कलशा ठारो रे ठारो रे ठारो नर नारे। तक फैला ये पावन संदेह, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेह। मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक। सालो थाने हिबड़ा मेरा मालो, थाने नैना में बसालो, थाने हिबड़ा मेरा मालो। नाथ पलकारा चबर ठुराओ में, नाथ पलकारा चबर ठुराओ में। थाने नैना में बसालो, थाने हिबड़ा मेरा मालो, थाने नैना में बसालो, थाने हिबड़ा मेरा नाथ पलकारा चबर ठुराओं में, नाथ पलकारा चबर ठुराओं में। सोने के कलशों में जल भर ले रे पानी, सोने के कलशों में जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। रत्नों के कलशों में जल भर ले रे पानी, रत्नों के कलशों में जल भर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। कलशों से धारा बहाई नहावे देखो जग त्रिपुरारी, जग त्रिपुरारी हाँ जग त्रिपुरारी, जग त्रिपुरारी हाँ जग त्रिपुरारी। गूंज उठी सहनाई नहावे देखो जग त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाई
आवे देखो जग त्रपुरारी। देखो जग त्रपुरारी कलशो श्री वीतरागाय नमः। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वती शंकराय श्रीमत् रत्नत्रयलंकृताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणे फणा मंडल मंडिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अमराय अववाय श्री आचार्य रत्न बाहुबली महाराज चतुर्संगस्य समस्त सौधर्मेन्द्रादि कुबेर इंद्रादि सर्वेन्द्र परिवारस्य समस्त दिगंबर जैन समाजस्य सर्व विश्व शांत्यर्थम मृत्युम हंत कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम वायुधारणम अग्निभयम शत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वसर्पभयम सर्वृश्चिकभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम सर्वव्याधिम सर्वचामडामरम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वकुक्षिरोगम सर्वशूलरोगम सर्वाक्षिरोगम सर्वशिरोरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वजररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्मारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वअजमारिम सर्वसस्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्वरक्षमारिम सर्वगुल्मारिम शीघ्र नमो
मनसानं वर्तमानानं नमो सिद्धार्थानां नमो भ्रमदो महदी महावीर वर्तमान बुद्धिदिशिरं ओम राम रीम रूम रौम रहा अस्यवसा अप्रतिचक्रे फर्विचक्रे ज्रौं ज्रौं नमः ओम नमो भगवदो वर्धमानसरिसहसदसचक्रं जलन्तं गच्छय आयासं पायालं लोयानं भूयानं जय वादेवारणं सरल करिया जगत में भविजन को सिविगे तुम पद पंकज पूजती विघ्न रोग डर जाय शत्रु मित्रता को धरी विष निर्विषता था चक्री खगदर इंद्र पद मिले आप ते आप अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हरिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में जन्म जरा मेरी हरो
करो मोहि स्वाधी। पतित बहुत पावन किए विनती कौन करे, अजन से तारे कुदे जय 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 जिन दे। थकी नाव भव दधि विषे तुम प्रभु कार्य करे, खीवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। तुमको पूजे सुरपति अहे पत नर पति देव, धन्य भाग मेरो मयो करन लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, में डूबत भव सिंधु में खीव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थक कर विनती भगवान, अपनो बिरद निहार के कीजिए आप समान। तुमरी ने कुसुदृष्टि ते जगुत रति है पार, हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ और सो तो नमटे उर जार, मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। वंदो पाछो परम गुरु सुर गुरु वंदत चास, विघ्न हरण मंगल करन पूरन परम प्रकाश। Oh, God.
पाने को सिर देव सतगुरु को जाऊं इति पाने सिर भी
अमृत पिलाने गुरु नगरी आए, ऊंचा ऊंचाने गुरु नगरी आए, जानी थारी ताबिर ताने गुरु नगरी आए, अपना बनाने गुरु नगरी आए, ऊंचा ऊंचाने गुरु नगरी आए, सकेरस ढोली रे बजाओ, देखो आई शुभ
Thank you.
माया भाई बालक को सुना
धीरे धीरे
कौन बावन प्रतिमा सोने मिले सर्व का
प्रतिष्ठो दैव मंजनाज प्रतिमाभ्य चरणाभ्यो संपूर्ण जय माला महा अरिघम त्रिविभावेति स्वाहा दक्षिण दिशि हरिभक्तिमती पूजन कर पश्चिम दिशा उत्तर दिशि पूजा करो
हरे
जय नारायण महा हरि ओम निर्वाण
उठाया हाथी पे बिठाया पांडुक बने अभिषेक कराया पांडुक बने अभिषेक कराया इसीलिए बाबा तेरी आरती करो तेरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 बाजे घुंघरो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 जय हो जरा झूठे वे जिन राजा भव दधि पारे उतार जी आजा भव दधि पारे उतार दिया तेरी सच्ची है सरकार बाबा रे बाबा तेरी बाबा रे बाबा अरे बाबा रे बाबा मेरे तिजारा वाले बाबा बाबा रे बाबा ओ मेरे चांद खेड़ी वाले बाबा तेरी सच्ची है सरकार बाबा रे बाबा तेरी सच्ची है सरकार बाबा रे बाबा सुमिरन करत मिटे भव अरे केसरिया आज हमारो मन केसरिया आज हमारो मन केसरिया अरे हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारो सरिया केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया होती सिरिया सूर मुनिंदा सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा तीसरी आरती सूर मुनिंदा तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर कर आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर सारे संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर सारे संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर अजी आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर जय हो निंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरती श्री उबझाया चौथी आरती श्री उबझाया दर्शन देखत पाप पनाया दर्शन देखत पाप पनाया अरे आ गए हम आ गए आ गए दरबार तुम्हारे बामा देवी के नंदनाला हो नंदनाला जिनके हाथों में दीपक नहीं है जरा दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकार लगाइएगा बोल पार्श्वनाथ भगवान की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आ गए हमें आ गए दरबार तुम्हारे मामा देवी के नंदी लाला हो नंदी लाला
आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर, सारे संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर आपका पहला। चलो झूमते हुए नाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं, आए हैं हर पास नाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं। हर भक्ति में झूमे नाचे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे नाचे, सारे इंद्रगण आए हैं। महावीर भगवान तेरे पुजारी आए हैं, वीर भगवान तेरे पुजारी आए हैं, आए हैं। चौथी आरती श्री अवर सन देखत पाप पराया, साधु तिहारी आरती साधु तिहारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी, आ गए हमें आ गए हो, आ गए दरबार तुम्हारे बामा देवी के नंदलाला हो नंदलाला। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर, सारे संसार के अंदर प्रभु का पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर है आपका पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर आपका पहला नंबर। जमाना था थोड़ा ठिकाना था, देखते ही हमें आके पीड़ता जमाना था, पीड़ता जमाना था, पीड़ता जमाना था, लेकिन किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, जब से बाबा तुमसे मुलाकात, बुलंद रातों रात हो गई, जब से बाबा तुमसे मुलाकात हो गई। अरे किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, अरे जब से पारस तुमसे मुलाकात हो गई, अरे जब से धर्म ही आत्मज्ञानी का मेरे इन पारस स्वामी का, ये धर्म ही आत्मज्ञानी का मेरे इन पारस स्वामी, इस धर्म का यारो, इस धर्म का यारो क्या कहना, ये धर्म है जैनों का कहना।
आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, सोनी का दीप कपूर की बाती, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती, जगमग ज्योति जले सारी राती, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरो, अरे बाजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरो, बाजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है बन के लग पे कवाली, मधुबन वाले पारस बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली, मधुबन वाले पारस बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली, अरे होली खेले महावीरा जीवन में, होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा जीवन में, कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती, छम 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 छम, बाजे घुंघरो, अरे बाजे घुंघरो, आंखों में दीपक लेके आरती कर, ओ बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, रे बाबा हाथों में दीपक लेके आरती करो, रे बाबा हाथों में दीपक लेके आरती करो, जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आँखों के संकट तारे, भक्तों का किया कल्याण है, जिनकी आरती सभा में उतारते, मेरे पार्श्वनाथ भगवान है, तुमने लाखों के संकट तारे, भक्तों का किया कल्याण है, तुमने लाखों के संकट तारे, भक्तों का किया कल्याण है, जिनकी आरती सभा में उतारते, मेरे पार्श्वनाथ भगवान है, तुमने लाखों के संकट तारे, जो आता मन वांछित फल पाता है, सुना तेरे दरबार जो आता मन वांछित फल पाता है, हो आत्म शक्ति को विकसित करके शिवपुर धाम बुझाता है, ऐसा भक्तों का प्रभु अनुमान है,
मेरा पूरा करो अरे मान है, ऐसा भक्तों का प्रभु अनुमान है। मेरा पूरा करो अरे मान है, जिनकी आरती सभा में उतारते मेरे पार्श्वनाथ भगवान है। तुमने लाखों के संकट तारे, बोली पार्श्वनाथ भगवान की। वामा मा की आंख के तारे, अश्वसेन के तुम नंदन। वामा मा की आंखों के तारे, अश्वसेन के तुम नंदन। आरती करी श्री पार्श्व प्रभु जी के चरणों में करते वंदन। आरती करी श्री पार्श्व प्रभु जी के चरणों में करते वंदन। ऐसा भक्तों का प्रभु अनुमान है, मेरा पूरा करो अरे मान है। ऐसा भक्तों का प्रभु अनुमान है, मेरा पूरा करो अरे मान है। जिनकी आरती सभा में उतारते मेरे पार्श्वनाथ भगवान है। तुमने लाखों के संकट तारे, भक्तों का किया कल्याण है। जिनकी आरती सभा में उतारते मेरे पार्श्वनाथ भगवान है। वो मेरे पार्श्वनाथ भगवान है, वो मेरे पार्श्वनाथ भगवान है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ। चंद्र प्रभुप शीतल शिया से जिन, चंद्र प्रभु शीतल शिया से जिन। वासु पूज भगवान उतारो तेरी आरतियाँ, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ। उतारो तेरी आरतियाँ स्वामी, उतारो तेरी आरतियाँ मेरे। चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ हो मेरे, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी। कुंथुनाथ भगवान उतारो तेरी आरतियाँ हो मेरे, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ। उतारो तेरी आरतियाँ भगवान, उतारो तेरी आरतियाँ हो मेरे, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ। मुनि सुगत नमी नेमि पार्श प्रभु, मुनि सुगत नमी नेमि पार्श प्रभु। वर्धमान भगवान उतारो तेरी आरतियाँ हो मेरे, वर्धमान भगवान उतारो तेरी आरतियाँ। उतारो तेरी आरतियाँ स्वामी, उतारो तेरी आरतियाँ हो मेरे, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ मेरे, चौबीसों भगवान उतारो तेरी आरतियाँ, उतारो तेरी आरतियाँ। चक्र दीवा स्वामी सीथ चक्र दीवा, करत तुम्हारी निश दिन मन से, करत तुम्हारी निश दिन मन से। सुर नर मुनि सेवा जय सीत चक्र देवा, बोलो जय सीत चक्र देवा स्वामी सीत चक्र देवा। करत तुम्हारी निश दिन मन से, करत तुम्हारी निश
कुछ दिन मन से सुर नर मुनि सेवा जय सीध चक देवा स्वामी पल अनंत भारी अव्यापाद अमूर्ति अगुरु लघु अव्यापाद अमूर्ति अगुरु लघु अवगाहन धारी जय सिद्ध जग देवा तुम अशरीर शुद्ध चिन्ह मूर्ति स्वातम रस भोगी ओ स्वामी स्वातम रस भोगी तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे जी गणेश तुम्हें ध्यावे भवि अलि तुम चरणाम्बुज सेवक भवि अलि तुम चरणाम्बुज सेवक निर्भय पद पावे जय सिद्ध चक्र देवा संकट तारण अधम उधारण भव सागर तरना स्वामी भव सागर तरना अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट करी अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट कर जन्म मरण हरना जय सिद्ध चक्र देवा जय दीन दुखी असमर्थ दरिद्री निर्धन तन रोगी स्वामी निर्धन तन रोगी ओ सिद्ध चक्र को ध्याय भये थे सिद्ध चक्र को ध्याय भये थे सुर नर सुख भोगी जय सिद्ध चक्र देवा डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर उपसर्गा स्वामी व्यंतर उपसर्गा नाम लेत भग जाए छिनक में नाम लेत भग जाए छिनक में सब देवी दुर्गा जय सिद्ध चक्र देवा रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन स्वामी विषधर पंचालन मिटे सकल भय कष्ट करे जे मिटे सकल भय कष्ट करे जे सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा अरे मैना सुंदरी कियो पाथिया परिवे अठाइन में स्वामी परिवे अठाइन में
पति उत्साह शतक कोड़ी ने का पति उत्साह शतक कोड़ी ने का गया कुष्ठ छिन में जय सिद्ध चक्रदेवा अजी कार्तिक फागुन साढ़ आठ दिन सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करी शुद्ध भावों से माखन करी शुद्ध भावों से माखन लहीना भव दूजा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा हो देवा सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन मन से करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा सिद्ध चक्र देवा हो देवा सिद्ध चक्र देवा हो देवा सिद्ध चक्र देवा जय बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय बोलिए जिनवाणी माता की जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया प्रथम देव अरहंत मनाओ गणधर जी को ध्याओ माता गणधर जी को ध्याओ माता गणधर जी को ध्याओ कुंद कुंद आचार्य हमारे ओ कुंद कुंद आचार्य हमारे नित प्रति शीश झुकाओ जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां योनि लाख चौरासी माही घोर महा दुख पायो माता घोर महा पायो माता घोर महा दुख पायो तेरी महिमा सुनकर माता हो तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां जाने थारो शरणालीनो अष्टकर्म छे दीनो माता अष्टकर्म छे दीनो माता अष्टकर्म छे दीनो जन्म मरण मेट कर माता ओ जन्म मरण मेट कर माता मोक्ष महाफल दीनो जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां बार बार में विनहुर माता में हर मुझ पर कीजे माता में हर मुझ पे कीने माता में हर मुझ पे कीने सेवक की माँ अर्ज यही है ओ सेवक की माँ अर्ज यही है चरण शरण मोह दीजे जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया सेवक अर्ज करे हे जिनवाणी माता हे जिनवाणी माता मैया हे जिनवाणी माता ग्यारह अंग चौदस पूरब की ओ ग्यारह अंग चौदस पूरब की कर दो हमको ज्ञाता जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां 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 जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। ओंकार का उच्चारण के माध्यम से
अपने अंतस की भावनाएं, अंतस की नमोस्तु सिद्धालय में विराजमान उन समस्त शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्माओं के चरणों में निवेदित करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, तत्पश्चात आप सभी बोलेंगे। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जीवलो देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान की, श्री पारिशनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रम्याचर श्री विद्या सागर जी महाराज की, चरिया श्रम्याचर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिका शेष गणनी माता श्री श्रुत देवी माता जी की, सुज्ञानी माता जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना हो गई। हमारे आदिश्वर स्वामी उर्फ टीटू भैया की इच्छा थी कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, और जब फोन पर बात हुई तो बोले भैया जी इस बार हमारा नंबर आ जाए। नहीं, आपका नंबर आएगा, आपकी भावना है। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना हो गई और आज 4 दिन हो गए अष्टानिका पर्व को। 64 रिद्धि विधान के माध्यम से हमने यहाँ पर हम सभी ने सिद्धों की आराधना की। सिद्ध चक विधान एक व्यक्ति का संपन्न नहीं होता है और कई व्यक्तियों की भावनाएं उमड़ने लगती हैं कि मुझे भी सिद्ध चक विधान करना है, मुझे भी विधान करना, मुझे भी विधान करना। वास्तव में हमें करना क्या है? ये जो जीवन हमें मिला है, मानव जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन में हमें करना क्या है? क्या सिद्ध चक्र विधान करना है? क्या भगवान का अभिषेक करना है, आरती करना है, पूजा करना है? करना क्या है? एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, बोले भैया जी आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी? यानी गिनती तो नहीं है, पर छोटी बड़ी सब 1000-2000 तो अभी तक पढ़ी ली होंगी। बोले सार क्या है उस चीज का? आप जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, त्रिलोक सार, इन सभी का और क्या सार है? क्या सार निकाला आपने पढ़ करके? तो एक ही सार इसका निकला, जैसे धबला जय धबला महाधबला ऐसे महान ग्रंथ थे, उनको पढ़ नहीं पा रहे थे, तो आचार्य नेमिचंद स्वामी ने उसके सार लिखे। बोले भैया जी अब ये जीव कांड कर्मकांड जैसे ग्रंथ भी हमारे वश की नहीं है, आप पढ़ो और मुझे सार बता दो, और सार भी ऐसा बताना कि 2-4 लाइनों में पूरा सार बताना, बहुत बड़ा विस्तार मत करना। 1 घंटे भी हम आपको नहीं सुन सकते, आधे घंटे भी नहीं सुन सकते हैं,
15 मिनट भी नहीं सुन सकते हैं और पूरा द्वादश संघ का इस पंचम काल में हमें क्या करना चाहिए, आप 5 मिनट में आप मुझे सार बता दीजिए, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए और हमारा भी आत्म कल्याण हो जाए। तो जीवन में 3 बुद्धि नहीं होना चाहिए। बुद्धि तो सभी चाहते ना, चाहते कि नहीं, परंतु 3 प्रकार की बुद्धियां नहीं होना चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। ऐसी बुद्धि से अच्छा तो परम पूज्य चर्याश्रम आचार्य विश्वेश्वर हमारे कहते हैं कि बुद्धू ही सही। क्या सही? हाँ, ये 3 बुद्धियां नहीं चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि का मतलब क्या है? मैंने ये काम किया। भोक्तृत्व, मैंने इसको भोगा, मैंने इसको खाया। और स्वामित्व, यह मेरा है, मम इदम यह मेरा है, ये भावना है। ये 3 बुद्धियां नहीं होना चाहिए। और क्या करना है? पुण्य के कार्य करना क्या? नहीं, पुण्य के कार्य नहीं करना। क्या नहीं करना? पुण्य के कार्य नहीं करना, ना ही पुण्य के कार्य को गिनना है। तो करना क्या है? सिर्फ ओनली एक ही काम करना है, एक ही आपकी ड्यूटी है। अरे अविनाश भैया चले गए, सारी व्यवस्था बनाते हैं शिष्य विधान की। मुझे, हमें अपनी आत्मा को सिर्फ पापों से बचाना है। क्या करना? हमारा, आपका, सबका जन्म सिर्फ एक ही काम के लिए हुआ है। स्वर्ग में रहने वाले वो देवता यही विचार करते हैं कि यहां तो मैं असंयम में हूं, अपनी आत्मा को पापों से नहीं बचा सकता हूं, परंतु मनुष्य बनकर के मैं अपनी आत्मा को पापों से बचा सकता हूं। इसलिए मनुष्य पर्याय के लिए वह तरसते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं कि मैं मानव बन जाऊं। तो पुण्य के कार्य नहीं करना है कि मैं पुण्य के कार्य करूं। मुझे क्या करना है? सिर्फ अपनी आत्मा को पापों से बचाना है। मैं अपनी आत्मा का कर्ता हूं, अपनी आत्मा का भोगता हूं, अपनी आत्मा का स्वामी हूं। मैं पर का कर्ता नहीं हूं, पर का भोक्ता नहीं हूं, पर का स्वामी नहीं हूं। ये पर की कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि को छोड़ करके, क्योंकि वह मिथ्यात्व है। परम पूज्य, इस साल बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि ऐसी ज्ञानी और विशुद्ध भाव को धारण करने वाली माताजी, जैसा उनका नाम है सुरत देवी, वास्तव में जब मैं उनको देखता हूँ साक्षात सरस्वती देवी बैठी हुई हैं। उनके मुख से उज्जिनवाणी कृति है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती होंगी, पर भगवान की बात भी किसी को समझ में नहीं आती, वो तो गड़दर समझाते हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो 3 बुद्धि नहीं होना चाहिए, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। मैं स्वयं का करता हूं, स्वयं का भोगता हूं, स्वयं का स्वामी, पर का किंचित मात्र भी मैं करता नहीं हूं। ऐसे भाव जहां आते हैं वहां वो जो सम्यक्ति की जो ज्योति हमें जलाना है, उपशम सम्यक्ति की बात माताजी ने रखी आपके सामने कि कम से कम इतना काम तो कर लो कि उपशम सम्यक्ति तो प्राप्त तो कर लो। तो जैसे भाव आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं तो वो जो ज्योति जहां जलना है वहां थोड़ी सी गर्मराहट आ जाती है। मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं और स्वामी नहीं। मैं तो स्वयं का कर्ता हूं, स्वयं का भोक्ता हूं, स्वयं का ही स्वामी हूं। मैंने भगवान की पूजा की, एक कर्तृत्व बुद्धि है, कभी मत कहना आदिश्वर स्वामी। मैंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचाया, ये बुद्धि कभी मत लाना। मैं माता जी को लेकर के आया, मैंने माता जी को आहार दान दिए, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मूर्ति स्थापना की, अहो
ऐसे शब्द मुख से बुद्धि में स्वप्न मात्र में भी अपने अंदर नहीं आना चाहिए, मैं पर का करता नहीं हूं। तो भैया ये सब झूठा है क्या? आदिश्वर स्वामी ने शिक्षक महामंडल विधान नहीं रचाया क्या? नहीं रचाया। क्या किया है हमारे टिट्टू भैया ने? कुछ नहीं किया है। वह सिर्फ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का निमित्त बना करके वह अपना अपने परिवार की आत्मा को पापों से रक्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम अपनी आत्मा को पापों से रक्षित कर रहे हैं, बचा रहे हैं। हम पर के करता नहीं है, हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान की पूजा जब तक हम कर रहे हैं तब तक सिर्फ मैं अपने आप को पापों से, रास्ते में जा रहे थे बहुत सारी चींटियां हैं और उस पे आपने पैर नहीं रखा, चींटियों को आपने बचाया, तो आप बोलोगे देखो आज मैंने इतनी सारी चींटियां बचाई। नहीं, अज्ञानी ये कहेगा कि मैंने चींटी को बचाया है और ज्ञानी ये कहेगा कि मैं चींटी के मारने के पाप से बचा हूं। क्या है? मैं चींटी के मारने के पाप से बचा हूं। अज्ञानी ये कहेगा कि मैंने आज माता जी का चौका लगाया, उनको आहार दिया है, मैं 15 दिन से उनकी सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं। ज्ञानी ये कहेगा नहीं, जितने समय तक मैं माता जी की सेवा करता रहा हूं उतने समय तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी आत्मा को पापों से बचाया है। अज्ञानी ये कहेगा कि मैंने इतने सारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिए, इतनी मैंने पूजा कर ली, इतनी जाप कर ली, इतनी माला कर ली है, परंतु ज्ञानी क्या कहेगा? जब तक मेरी जाप चलती रही तब तक मेरी आत्मा पापों से बचती रही, जब तक अर्घ चढ़ता रहा तब तक मेरी आत्मा पापों से बचती रही। कुछ काम करना ही नहीं, एक ही काम है अपने लिए, सिर्फ अपने आप को हमें पापों से बचाना है। क्या करना है? पापों से बचाना है। दो ही चीजें आपको जानना है, पाप का आश्रय कैसे होता है और पाप का बंद कैसे होता है। पुण्य की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि पुण्य पर आपका जोर नहीं है। दसवें गुरु स्थान तक पुण्य बनता है और ज्यादा ज्यादा बनता है। ऐसी कोई चर्या नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आत्मा पापों से रक्षित हो जाए और पुण्य का बंध ना हो। जैसे आप पापों को छोड़ोगे पुण्य तो और ज्यादा आता, और गाढ़ा होकर के आता, उसका अनुभव और अधिक आता है। इसे उस पर आपका जोर नहीं चलता है, वो तो बंधता जाता है। और जो आत्मा पापों से अपने आप को बचाने के लिए कार्य करती है उससे जो पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य का फल होता है अरिहंत। क्या होता है? अरिहंत। और जो आत्मा पुण्य बंद करने के लिए पुण्य के कार्य करता है उसका फल होता है संसार। समझ रहे हैं? चलो भैया अब से कर लेते थोड़ा पुण्य का बंद हो जाएगा, छत चढ़ा लेते थोड़ा पुण्य का बंद हो जाएगा, कुछ जाप कर ले थोड़ा पुण्य का बंद हो जाएगा। पुण्य के बंद के लिए पुण्य की क्रियाएं की जाती हैं, तो वह पुण्य हमारे संसार का कारण होता है और नियम से पापानुबंधी पुण्य कर्म का बंद होता है और भविष्य में जाकर के वह पुण्य हमें नरक और निगोद में, नरक तो और तिरंज गति में ले जाता है। वो वाला पुण्य कौन सा पुण्य? पुण्य बंद करने के लिए पुण्य के कार्य किए जाते हैं, तो सहज भाव से कार्य कीजिए। मुझे तो सिर्फ पापों से बचना है। क्या करना है? मुझे तो पापों से बचना है, मुझे कर्म के लिए कोई कार्य नहीं करना है। माता जी ने कहा कर्म तो हमारा शत्रु है, कर्म के लिए कार्य नहीं करना है। परंतु उसी कर्म में कुछ ऐसा कर्म भी है कि आप जो है ना पाप कर्म को काटोगे पुण्य कर्म बनता चला जाएगा। और वह पुण्य कहता है भैया ये तो जो है ना मेरी तरफ ध्यान देता ही नहीं है, पाप ही पाप को काट रहा है, अब क्या करें, इसका कोई संसार में काम नहीं है। अब जो कुछ भी इसका पुण्य बना है इस पुण्य का फल में इसे अरिहंत पद दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? अरिहंत पद दे देता हूँ। और जो पुण्य के लिए कार्य करता है उस पुण्य का फल तो उसे मिल जाता है। तप करें राज्य मिले, राज्य करें नरक। पुण्य के लिए तप करते हैं, पुण्य के लिए जाप करते हैं, पुण्य के लिए पूजा करते हैं, पुण्य के लिए विधान करते हैं, पुण्य का बंध तो होता है और उससे फल भी प्राप्त होता है। पर जो उस पुण्य का फल
उसको उदय में आता है, उस समय जब तक पुण्य चलता रहता है, फिर उस पुण्य के उदय में वो भगवान को भूल जाता है, संत को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है, अपना खान पान भूल जाता है, अपन रहन सहन बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। यावत जीवो सुखी जीवो ऋणम गत्वा कृतम प्रवेद भस्मी भूतस्य देहस्य पुनः गमन कुतः। जब तक जियो आनंद से जियो, कल किसने देखा है, ऐसा सोच करके जो उसे पुण्य को जैसे चीजें मिलती, धन संपत्ति मिलती है, वो धन संपत्ति का दुरुपयोग करता है, ऐसे अच्छे कार्यों में उसका मन ही नहीं लगता है, ना ही वह सत्संग करता है, और निरंतर पाप की क्रियाओं में वो अपने उस पुण्य को फोंक देता है और पुण्य समाप्त हो जाता है, पापानुबंधी पाप में परिवर्तित हो जाता है और वह नरक और तिरंच का पात्र हो जाता है। इसलिए भविष्य में अगर कुछ आपको करना है तो सिर्फ अपनी बुद्धि को ठीक करना है। क्या करना? हाँ, उन तीन बुद्धियों से अच्छा बुद्धू है। कौन सी बुद्धि? कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। स्वप्न मात्र में भी ना आ जाए, मैंने बेटे को पाला नहीं। जब तक आप बेटे को सत्संस्कार देते रहे, आप बेटे को जन्म नहीं देते हो, बेटा अपने पुण्य के उदय से जन्म लेता है, उसने अपने पुण्य के उदय से आपके यहाँ जन्म लिया है, आपने उसे सिर्फ सत्संस्कार दिए हैं, और जब तक आप उसे सत्संस्कार देते चले जा रहे हो, उसके माध्यम से आप पुण्य का अपने आप को पापों से बचा रहे हो, आप बेटे का पालन नहीं कर रहे हो, बेटे के निमित्त से आप स्वयं अपने आप को पापों से बचा रहे हो। कोई जितनी भी सारी चीजें हैं मुनि की अंजलि में आप ग्रास दे रहे हो और आप सोच रहे कि मैं इनको रसगुल्ले खिला, चम चम नहीं बोलूंगा, मैं रसगुल्ले खिला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, आप रसगुल्ले खिला रहे नहीं, क्या कर रहे हो? जब तक आप आहार दान दे रहे हो तब तक सिर्फ अपने आप को पापों से बचा रहे हो। तो एक ही काम करना है जीवन में, इस पंचम काल के लिए बता रहा हूं मैं आपके लिए, कि इसके आगे कैटेगरी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, किससे आगे आप कोई काम कर सकते। माता ने दो श्रेणी की बात करी थी, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, तो ना इस समय आप उपशम श्रेणी पर चढ़ सकते हो, ना ही छपक श्रेणी पर चढ़ सकते हो। जितना भी चारित है प्रवृत्त्यात्मक है, निर्वृत्त्यात्मक नहीं है। सप्तम गुरु स्थान के प्रथम पाये तक आप जा सकते हो और वह प्रवृत्ति रूप है, आप प्रवृत्ति में ही चलते रहोगे, और उस प्रवृत्ति में आपको यही देखना है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का पाप ना हो जाए। तो दो ही चीजें पे आपको रिसर्च करना है आदिश्वर स्वामी, पाप का आश्रय कहां कहां से होता है, कैसे कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, और पाप का बंद कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे कैसे होता है। दो ही चीजें आपको पढ़ना है, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कहां नंदीश्वर है, कहां सिद्ध सलाह है, कहां नरक के, कहां स्वर्ग है। कदाचित आप इसको नहीं भी जान पाओ तो कोई बात नहीं, इस समय के लिए आपके लिए छूट दे रहा हूं, परंतु दो चीजें तो आपको जानना ही जानना है, इसके बिना आपका मनुष्य जीवन निस्सार हो जाए, इसका कोई सार नहीं रहेगा। अगर जीवन में आप यह नहीं जान पाए कि कितने प्रकार के पाप होते हैं, कैसे कैसे उसका आश्रय होता है, कितने प्रकार से उसका बंद होता है, कैसे कैसे बंद होता है, क्या क्या पाप के आश्रय के प्रत्यय हैं और बंद के आश्रय के बंद के प्रत्यय हैं, ये आपको जानना है। प्रज्ञ सागर महाराज जी जब आए थे, लब्धी सार चल रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे दादाजी भी आए नहीं है, बोले ऊपर से जा रहा है, चला जाए कोई बात नहीं है, लब्धी सार आपके ऊपर से चला जाए, कर्मकांड आपके ऊपर से चला जाए, परंतु पाप के आश्रय आपके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। पाप का बंद कैसे कैसे होता है वो आपके ऊपर से, मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद योगः बंध हेत्वः, ये बंद के हेतु है। तत्वार सूत का छठवां अध्याय पढ़ लेना, काय वांग मनः कर्म योगः सहस्रवः, सुबह पुण्यस्य सुबह पापस्य। आश्रय कैसे होता है? मन वचन काय से होता है। अभी आप यहां बैठे हो और बैठने के पहले अगर आपने त्याग कर दिया होता कि मंदिर से बाहर जब तक प्रवचन चल रहे हैं, पंडित जी के सामने बैठे हैं, भक्ति आरंभ, तब तक सब कुछ हमारा त्याग है, तो आपको पता नहीं कितना सारा आश्रय रुक जाता है, कितना सारा रुक जाता, इतना सारा रुक जाता कि आप सुबह से शाम तक यहाँ भक्ति करते रहते,
सुबह से शाम तक भक्ति करता रहे और पूरे जीवन भर भक्ति करता रहे और एक घंटे व्यक्ति कुछ भी ना करे, शांति से बैठ जाए, माला भी नहीं, भगवान को देखता रहे कि बस जो कुछ भी इसके अलावा सब कुछ त्याग। जितना पाप का आश्रय वो नहीं रोक पाएगा जितना तुम रोक लोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो मर्यादा बांध ली, 4 फुट की मर्यादा, एक वस्त्र जो कुछ भी है, तो आप देखिए अनंत पृथ्वी है कितनी, उसका त्याग हो गया। अनंत कितने सारे भोगों भोग के सामग्री, उस सब का त्याग हो गया। अगर आपने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो आप सोचिए कि आपने क्या किया है, अपने मन को कितना निर्मल कर लिया। अनंत जो स्त्रियां हैं उनके पाप से आप बच गए, जो भी भोगों के कारण उनसे पाप से आप बच गए। जैसे आपने नियम लिया कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, तो भारत से बाहर जो कुछ भी पाप आपका हो रहा है उसका आश्रय रुक गया। कुछ पैसा लगने लगेगा इसमें आपके लिए, आश्रय रुक गया। रात को आप सो रहे, नियम ले लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे सुबह तक, घर के बाहर जो जो पाप हो रहा है उसकी अनुमोदना के पाप से आप रुक गए। 108 प्रकार से पाप के आश्रय होते हैं, अभी आएगा विधान में, परसों आएगा, 256 जब अर्घ चढ़ाएंगे ना तो उसमें आएगा, अच्छे से आप पढ़ना और समझना। 108 प्रकार से कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय संभ्रम समारम आरम आपस में को गुणा करोगे तो 108 पाप के आश्रय बनते हैं। और जैसे ही हम त्याग कर देते हैं कि देखिए हमने नियम ले लिया कि सिर्फ श्वेत वस्त्र पहनेंगे, तो कितने प्रकार के कलर हैं, उन कलरों से हमारा मन वचन काय की चंचलता, क्योंकि आश्रय कैसे होता है, मन वचन काय की चंचलता से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती उससे आश्रय होता है। तो इतने प्रकार के कलर के प्रति जो हमारा भाव जाता था, अब नियम ही ले लिया कि श्वेत के अलावा दूसरा पहनना ही नहीं, तो अब विकल्प आएगा बताइए दीदी है। और आपका नियम नहीं है तो आप सोचते ये वाला पहने कि ये वाला पहने, इसके साथ कौन सा मैचिंग होगा, इसके पास कौन सा मैचिंग होगा, खुद भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दूसरा का भी दिमाग खाते हैं, तुम ही बता दो कुछ, खुद भी डिसाइड नहीं कर पाते, दूसरों से भी हमें पूछना पड़ता है। तो आप विचार कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, इन्हीं चीज़ों पर आपको चिंतन करना है। ज़्यादा बहुत पुराण आप ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, परंतु निरंतर आप इस पर चिंतन कीजिए। हमने नियम लिया कि मुझे तो 5 प्रकार की सब्जी खाना है, वह इसके अलावा नहीं खाना है, अब बताइए अनंत प्रकार की सब्जियां, विकल्प खत्म हो गया, आश्रय कम हुआ कि नहीं हुआ है। हमने नियम ले लिया कि भैया हम तो पैदल चलेंगे, कितने प्रकार के वाहन हैं, कितने प्रकार के वाहन हैं, विकल्प खत्म हुआ कि नहीं हुआ, देखिए माता जी महाराज जी है। हमने नियम लिया एक टाइम भोजन करना है, आप देखिए कितने प्रकार के विकल्प, बार बार खाने का मन होता है और एक टाइम में भी अंतराय से उसमें भी रस परित्याग विभक्त से या नाना प्रकार के तप के द्वारा भोजन कर रहे, कितने प्रकार के आश्रयों से पाप से बंद से वह आत्मा रक्षित हो गई, विचार कीजिए। आपने अगर नियम ले लिया कि 5-10 साड़ी पहनेंगे, 10 साड़ी रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे, तो आप उसके आगे आपका मन नहीं जाएगा। तो पापों से आत्मा रक्षित होती है चारित्र से। चारित्र का मतलब ही होता है कि जिस क्रिया से पाप का आश्रय पाप का बंध रुक जाए उस क्रिया को चारित्र कहा जाता है। बहनों किसे कहते हैं चारित्र है? जिस क्रिया से पाप का आश्रय रुके पाप का बंध रुके उस क्रिया को चारित्र कहा जाता है। बहुत विस्तार से समझ में आ जाएगा आपके लिए। तो ऐसी कोई क्रिया नहीं करना जिससे पाप का आश्रय, पानी आपने छान के पीने का नियम ले लिया तो देखिए कितने सारे पाप के आश्रय से आप बच गए। बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे जो नियम धर्म आपको बतलाए जाते हैं वो सिर्फ आपको पाप से बचने के लिए। तो पहले पाप को आपको समझना पड़ेगा, पाप कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। हिंसा को पाप कहा है, किसको कहा, हिंसा कैसे होती, कितने जीवों की हिंसा करना, जीव कितने प्रकार के, जीव कांड पढ़ोगे तो बहुत प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, कैसे कैसे हिंसा होती है। अब थोड़ा सा पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, थोड़ी सी पंखा चला दो, क्या कर दो, यहां पुण्य की क्रिया चल रही, ऊपर सावध पाप की क्रिया। पंचेंद्रिय जीव भी मर सकते हैं, 2 इंद्रिय 3 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय मर सकते हैं, वो मरे अथवा ना मरे परंतु जिसके निमित्त से मरते हैं उसका आश्रय आपको चालू। बहुत ज्यादा आकुलता होने लगे आपको, लगी अब तो बिल्कुल प्राण पखेरी उड़ने वाले हैं, तब थोड़ा सोच लो तो अलग बात है, थोड़ा सा भी सहन करना तो सीखो थोड़ा बहुत,
बहुत जल्दी आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, भाई जल्दी बंद कर दो, जल्दी चालू कर दो, जल्दी नहीं होना चाहिए। तो ये पाप के जितने आश्रय हैं उनको आप विचार करेंगे, इस पर रिसर्च आप कीजिए, कैसे कैसे पाप के आश्रय होते हैं और उनको आप छोड़िए, उससे अपनी आत्मा को रक्षा कीजिए। अब पंडित साहब से हम निवेदन करते हैं कि वो हमें अपनी मधुर वाणी से कोई कथा सुनाए जिससे लोगों के चेहरे पर और मुस्कान आ जाए। बोलो महावीर भगवान की। ये है जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। माचिस का काम जलाने का होता है। जिस प्रकार से हम किसी का बुरा सोचते हैं, सामने वाले का बुरा हो या ना हो लेकिन हमारा बुरा हो जाता है। कृत कारित अनुमोदना, खुद करो दूसरों से करवाओ, तीसरा कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, बराबर दोष लगता है। जिस प्रकार से माचिस का काम जलाना होता है, पंखा चल रहा है, हमने किसी चीज को जलाने के लिए माचिस जलाई, वो माचिस उस वस्तु को जला पाए या ना जला पाए लेकिन उसका मुंह काला हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में है, आप भगवान की, ऐसा नहीं है कि आप पूजन करेंगे भगवान की आपसे करेंगे तभी देवगति में जाएंगे या मनुष्य बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप पूजा कितनी भी करें यदि आपके परिणाम सरल नहीं है तो आप फिर से मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रोध मान माया लोभ यदि आपके अंदर है तो आप मनुष्य गति देवगति आदि को प्राप्त नहीं कर सकते, नरक और निगोद ही जाना पड़ेगा जहाँ से निकल करके आए हैं। इसलिए बिल्कुल सरल परिणाम रखो, किसी को ठगने की भावना नहीं रखो, किसी को बुरा करने की भावना नहीं रखो। इसी प्रकार से एक बच्चे खेल रहे थे रास्ते में, उनके ऊपर एक कथानक है, दगा सगा नहीं किसी का किया न हो कर देख, दगा किया जिन और से उनका जा घर देख। एक रोज खेल में कुछ लड़के गड्ढा करके कहते थे बार बार, मजा आएगा पैर किसी का फंस कर जब टूटेगा यार। बच्चे हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे छोटे में कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव। चतुर एक लड़का उठ बोला, गड्ढा अपने घर के द्वार, औरों का टूटे ना टूटे डर घर वालों का हर बार। एक बच्चा कहता है कि अरे अपने घर के लोगों के भी टूट सकता है। इतने में एक दीवान मंत्री खड़े थे वहां, इसकी बातें चतुराई की सुनकर खड़े हुए दीवान, पास बुलाकर उस लड़के से लगे पूछने कहां मकान। नमस्कार करके बच्चे ने पूरा अपना पता दिया, होकर प्रसन्न तब मंत्री ने हाथी पर उसको बिठा लिया। बहुत होशियार बच्चा है, मंत्री ने सोचा, हंसकर बोले बेटा बतला तेरे हैं माता पिता किधर, उनसे करना कुछ बात हमें ले चल तेरा हो मकान जिधर। एक पंडित का लड़का था पुरोहित का, यह खबर सुनी पुरोहित ने तो दौड़ा दौड़ा सन्मुख आया, बोला सविनय कर नमस्कार, हे नाथ मुझे क्यों बुलवाया। करके सम्मान पंडित जी का, बोले यह पुत्र मुझे दे दो, इसके बदले में मैं मांगी चाहे जितनी दौलत ले लो। सविनय बोला स्वामी मुझको इंकार नहीं ले जाने में, पर कभी कभी मिलना चाहूं तो रोक न देना आने में। आप ले जाओ लेकिन मैं अपने बेटे को जब देखना चाहूं तो मुझे मिलने की छूट रखना। हर तरह विप्र को कर प्रसन्न, सुत को अपने संग में लाकर हे बताने में, हाँ तीन वचन मुझको दे दे तो उजर नहीं समझाने में। मैं यदि कोई कसूर कर दूं तो उसे माफ कर देना, मैं बताता हूँ भाग क्या करता है। राजा बोले तेरे कसूर सब माफ किए इस अवसर पर, फिर क्या था मुकुट उतारा और रख लिया उसे अपने सिर पर।
बोले देखो एक मिनट में मैं राजा बन गया, भाग क्या करता है। लख कर यह दृश्य चकित थे सब, क्या जाने अब क्या होना है। पर राजा बोले बेटा भविष्य में मंत्री तुझको होना है। जैसी मंत्री ने सुना बेटे का पर हाय मुकद्दर फूट गया, अब तो यह मेरा दुश्मन है, जल्दी से जल्दी मरवा दूं। मंत्री की कुर्सी पर बेटे को जीते जी मैं चढ़वा दूं। इस तरह किए खोटे विचार, क्रोधित होकर घर पर आया। कुछ दूरी पर था भाड़ बुला, भण भूजे को यों समझाया। भणभूजे जानते होंगे आप लोग, जो चना वगैरह भूनते हैं। क्या कहते हैं भणभूजे से, मैं भेजूंगा एक लड़के को, तुम उसे भाड़ में दे देना, उसके बदले में मुझे मांगी दौलत तुम मुझसे ले लेना। भणभूजा कहता है हे नाथ क्षमा कर दे मुझको, यह पाप न हरगिज कर सकता। मंत्री बोले करना होगा वरना जिंदा नहीं रह सकता। मंत्री की देखी आंख चढ़ी, भड़ भूंजे का दिल घबराया। जबरन यह पाप कराता है तो क्यों छोड़ूं इसकी माया। उसके मन में भी विकल्प आ जाता है। मंत्री घर जाकर लड़के से बोले जा चना भुजा ला दो, मुझको जुखाम हो गया जरा, बेटा तुम तबीयत बहला दो। आज्ञा पाते ही चला राह में, चना लेकर के जा ही रहा था कि वो छोटा भाई मिल जाता है रास्ते में खेलता हुआ। आज्ञा पाते ही चला राह में, मिला उधर छोटा भाई, आओ दादा लो गेंद जरा, थक गया हार सन्मुख आई। थोड़ा खेलो मैं हार रहा हूं। बोला भाई तुम हारो या जीतो, इस समय नहीं मैं आऊंगा, जब तक कि चना भुजा करके दादाजी को न दे आऊंगा। तो वो छोटा भाई कहता है भाई तुम खेलो गेंद इधर, मैं चना भुजाने जाता हूँ, तुमसे पहले दादाजी को लो झटपट दे कर आता हूँ। जब रन ले चना चला जल्दी, अपने भाई का हाथ झटक, बिन सोचे समझे भण भूजे ने उठा भाड़ में दिया पटक। झोंक देता है भाड़ में। मन जब जी घर पहुंचता है वो लड़का, मंत्री ने यह लड़का देखा, घबरा कर बोले चना किधर, बोला क्या भुनवा कर अब तक भाई आया है नहीं इधर। अरे वो तो भाई ले गया था चना, अभी तक नहीं लौटा। हाय हाय करके भागे, पर तब तक काम तमाम हुआ। दुनिया में वह खुद गिरता है जो खोदे पर के लिए कुआं। सर पटक पटक दोनों प्राणी, हर गली गली हर द्वार द्वार, कहते फिरते थे यही न करना, भूल किसी से दगाया। इसलिए कभी किसी के साथ दगा नहीं करना चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को बंद। कायो से करो भ्रम नौ बार नमोकार। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।